देखो यहाँ पे क्या है ना, टूट गया है ये सारी चीज़ें जो है ना, ये जो है ना ये टूट गया है यहाँ का। अब टूट गया तो भाई इससे कोई दिक्कत नहीं है, टूटने दो। खैर अपनी अपनी जगह पे सारे सारे सेफ हैं टूटने के बावजूद भी, और सारे सारे लोग सेल्फीज वगैरह ले रहे हैं। ठीक है यहाँ पे क्या मैं एक मैंने क्या बोला, हर एक चीज़ों और बारीकी से मैं बताऊँगा। वीडियो हो सकता है थोड़ा सी लॉन्ग होगा, लेकिन ये सारी दिखी है यहाँ पे। उस टाइम का जो भी चीज़ें था ना, ये ऐसे हो गया है, टूटा हुआ कुछ चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें हैं जो आपको छोटी छोटी चीज़ें आपको इसमें नज़र आता होगा, ऐसे ऐसे मूर्ति। तो भाई लोग से मिलकर बहुत अच्छा लगा, लोग महाराष्ट्र के बिल्कुल। मैं तो महाराष्ट्र में अभी ट्रैवल कर रहा हूँ, तो मैं हमेशा जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं महाराष्ट्र आता रहूँगा, जाता रहूँगा। लेकिन तो मैं बिहार से हूँ सर, रजनीकांत ब्लॉगर, तो आप लोग को मिल जाएगा। तो यहाँ बहुत प्यारा शिवलिंग है, हरा हरा महादेव। तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पे भगवान भोलेनाथ का शिवमूर्ति। बहुत सारे लोग सेल्फीज फोटोज ले रहे हैं, तो मैं ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करूँगा, सब लोग को टाइम मिलना चाहिए। और क्या है कि लाइटिंग मुझे चलाना पड़ा, थोड़ा सी अंधेरा है यहाँ पे, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हो सकता है कि फेस चीज़ें नहीं आता है, लेकिन मैं आपको यहाँ से आपको ये सारी चीज़ें मैं आपको ज़रूर घुमाऊँगा और दिखाऊँगा। बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा मतलब बहुत प्यारा है। आप इस जगह पे एलोरा के पास आते हैं तो सबसे बड़ी बात है महाशिव जो भोलेनाथ का जो शिवलिंग है वो है, और बहुत प्यारा है, जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा शायद ऐसा कहीं शायद ही शिवलिंग ऐसा होगा। तो हम लोग ऊपर साइड में चलेंगे, उस साइड में जो आपको दिख रहा है मैं वहाँ तक चलूँगा जहाँ पे वो सारे के सारे लोग हैं। तो चलिए मैं चलता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ऐसी ऐसी चीज़ें ऐसी ऐसी जगह है कि हम उसको घूमते घूमते पूरा रात दिन कर देंगे ना, फिर भी नहीं घूम पाएंगे। लेकिन एक जो एलोरा है इसको पूरे दिन घूमो, यहाँ अगर आ गए हो तो अर्ली मॉर्निंग में आओ, और अर्ली मॉर्निंग से लेकर के 4 से 5 बजे तक एकदम यहाँ कंटिन्यू घूमो, देखो एक चीज़ें हर से एक से एक चीज़ें आपको मिलेगा देखने के लिए। जैसे देखिए यहाँ पे शेर बाघ जो भी कुछ जो हम लोग बोलते हैं वो सारे के सारे चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएगा देखने के लिए। देखिए तो यहाँ पे अभी तो फ़िलहाल क्या आएगा, टूट गया है, तो टूटने की वजह से ये सारी चीज़ें थोड़ी सी दिक्कतें हो गई है, लेकिन बाकी यहाँ से ऊपर भी हम चलेंगे, ऊपर भी जाने वाले रास्ता है इसके ऊपर, तो देखते हैं कहीं रास्ता वगैरह तो बंद नहीं है, अगर बंद होगा तो हम लोग नहीं जा पाएंगे। तो ये गुफाएं हैं जो आपको दिख रहा है, ये सारा सारा गुफा है, और ये ऊपर तो जाने वाला बंद है, ऊपर हम नहीं जा सकते हैं। तो चलते हैं हम लोग उसके ऊपर वहाँ तक। तो भाई वाकई में एलोरा मूर्तियों के ऊपर ना चढ़ें, मतलब यहाँ पे सारी सारी चीज़ें यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप मूर्ति के ऊपर ना चढ़ें, सब मतलब सब चीज़ के साथ में यहाँ पे बनाया गया है। और ये देखिए ये जो आपको दिख रहा है ये सारा के सारा, और ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे देखिए, ये एक से एक यहाँ पे मूर्ति बनाया गया है, और छोटे छोटे चीज़ों को बनाया गया है, स्तंभ बनाया गया है, दो दो तीन तीन स्तंभ बनाया गया है बगल में, यहाँ पे मूर्तियाँ वगैरह है जो आपको मैं मूर्तियाँ ज़रूर दिखाऊँगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे एक से एक मूर्तियाँ हैं, यहाँ पे गुफाएं हैं अंदर जाने के लिए रास्ता, लेकिन ब्रैकेट कर दिया गया है, उसको बंद कर दिया गया है। और देखिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे यहाँ पे ये सब मूर्तियाँ जो है यहाँ पे देखिए अब मूर्तियाँ कैसे बनाया गया है, ये देखिए यहाँ पे सारी सारी ब्रैकेट कर दिया गया है, और यहाँ पे एक से एक मूर्तियाँ यहाँ पे बनाया गया है, बहुत सारे गणेश जी से लेकर के लक्ष्मी ब्रह्मा विष्णु महेश सब लोग का यहाँ पे मूर्तियाँ बनाया गया है, और बैरिकेड यहाँ पे देखिए किया गया है कि ताकि कोई इस मूर्ति को मतलब छेड़े ना, हाथ ना लगे, नहीं तो मूर्तियाँ में क्या होता है कि जैसे हाथ लगाने से मूर्तियाँ ख़राब होती हैं, तो इसलिए ये मूर्तियाँ को कोई ना छुए इसके वजह से वहाँ पर लगाया गया है। तो हम लोग चलते हैं ऊपर में, वहाँ तक चलते हैं पहले जहाँ पर ये सब चप्पल जूता लोग खोल बैठे हैं, वहाँ हम भी खोलेंगे फिर आगे चलते हैं। और बहुत सारे लोग सेल्फीज वगैरह ले रहे हैं, तो हम भी लेंगे ही मुझे पता है, तो क्योंकि हम तो सेल्फीज और वीडियोस के लिए स्पेशली आए हैं यहाँ पे। आपको देखिए राइट लेफ्ट से निकले थे, राइट साइड में आ गए,
और यहाँ से राइट साइड में से डायरेक्ट एक ऊपर जाने की रास्ता है जो आप लोग को लेकर के चलेंगे हम। सारे सारे आपको यहाँ मूर्तियाँ मूर्तियाँ मूर्तियाँ, यानी हर तरीके से आपको मूर्तियाँ ही देखने को नज़र आएंगे। इसके अंदर में भी आप जाओगे तो मूर्तियाँ ही, यहाँ पे एक दो नहीं हज़ारों हज़ार मूर्तियाँ जो हैं यहाँ पे पड़ा हुआ है। आपको एक एक से एक, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश, हर एक मूर्ति में आपको हर एक जगह के हर एक मतलब आपको मिल जाएंगे। तीन धर्मों से यहाँ पे मंदिर को विकसित किया गया था। तो बहुत प्यारा है, यहाँ से एंट्री करने के बाद आपको कुछ ऐसा दिखेगा जो भी यहाँ पे मंदिर वगैरह है। और देखिए यहाँ पे सब शिवलिंग है मेरे ख्याल से, जैसे आप आगे देखिए यहाँ पे सारे सारे लोग सेल्फीज ले रहे हैं। बहुत बड़ा शिवलिंग है। तो शिवलिंग है बहुत बड़ा शिवलिंग आपको दिखाते हैं नज़दीक। तो ये सारे के सारे जो है ना आपको अंधेरे में थोड़ा सी कम दिखेगा, लेकिन बहुत प्यारा है। आप एलोरा का भी आएंगे यहाँ पे, भगवान भोलेनाथ का मूर्ति वगैरह रखा हुआ है यहाँ पे। बहुत बड़ा शिवलिंग है, छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा है यहाँ पे। सर मुझे ऐसा लगता है कि पूरे इंडिया का सबसे बड़ा शिवलिंग यही हो सकता है, इससे भी बड़ा है। लेकिन ये मैंने कभी गूगल पर सर्च नहीं किया है, मैंने जब देखा तब मुझे पता चला कि हाँ है। और उसमें कोई अभी टच तक नहीं कोई किया है, और लेकिन वहाँ पे शायद कुछ लोग पूजा पाठ वगैरह करते होंगे। तो बाहर निकलते हैं। बाहर जाने के लिए सारे सारे रास्ता हैं यहाँ पे, इंट्रीज वगैरह करते हैं वो है। देखिए यहाँ पे सारे सारे फोटो सेल्फी सब के सब ले रहे हैं। तो अब हम यहाँ से चलते हैं 1 to 10 के आसपास कोई एक जगह है जो वहाँ तक चलते हैं, फिर आपको मैं दिखाता हूँ। भाई चैनल साउंड देखो सर, अमल अभी के ब्लॉग राजू रजनीकांत, राजू रजनीकांत मेरा चैनल है। अमल बन गया भाई साहब चैनल के बारे में पूछ रहे हैं, तो मेरा राजू रजनीकांत चैनल है। आई होप सो कि आप सब सपोर्ट जरूर करोगे। नाम क्या, नाम क्या बताएं? राजू रजनीकांत कुछ अर्जुन। थैंक यू भाई, बस सपोर्ट सपोर्ट, हाँ सपोर्ट चाहिए बस। तो आप सारे व्यूअर को अपने लैंग्वेज में एक बार बोल दो कि प्लीज सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, नंबर मानो से एकदम मारी। थैंक्स भाई। तो भाई लोग से मिलकर बहुत अच्छा लगा, लोग महाराष्ट्र के हैं। हाँ बिल्कुल, मैं तो महाराष्ट्र में अभी ट्रैवल कर रहा हूँ, तो मैं हमेशा जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं महाराष्ट्र आता रहूँगा, जाता रहूँगा। लेकिन तो मैं बिहार से हूँ सर, राज रजनीकांत ब्लॉगर, तो आप लोग को मिल जाएगा। सो बहुत अच्छा लगा, महाराष्ट्र से ही आपको, तो महाराष्ट्र से सारे के सारे लोग हैं, क्योंकि यहाँ पे लोकल ज़्यादा आते हैं ना, क्योंकि मैं तो खैर वहाँ से बहुत दूर आ गया, तो बहुत अच्छा लगा है। हाँ मैं घूमने के लिए मैं यहाँ पे आया था, तो आप सब घूमिए। चैनल का नाम लेना, हाँ चैनल का मेरा नाम है राज, सब्सक्राइब कर लेना प्लीज। तो आप कभी भी एलोरा में आते हैं ना, बहुत सारे लोग आते हैं, शायद ही कोई यूट्यूबर यहाँ आता है मुझे पता है, क्योंकि बहुत सारे मैंने गूगल पे वगैरह सर्च किए हैं, बाई बाई कोई आया है यहाँ तक, लेकिन हर कोई नहीं आता है। और महाराष्ट्र में कभी भी आप छत्रपति शिवाजी जो थे उनके नगर में कभी आप आते हो ना, तो बहुत सारी जगह किला वगैरह जो है घूमने के बहुत सारी जगह हैं। आप पूरे दिन घूमो, पूरे पूरे जीवन भी घूमते रह जाओगे, शायद मुझे नहीं लगता कि ख़त्म होने वाला है।
लेकिन बहुत सारी जगह है। तो चलिए मैं आपको भाई से मिलकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो आई होप कि आप सब पूरे सपोर्ट करोगे। तो आप ओ चलो हम देते हैं उसको लिंक दे देते हैं ग्रुप पे, हमारा पूरा ग्रुप आपको सब्सक्राइब करना है। हाँ ये चलो भाई, अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, कर दीजिए। हाँ थैंक यू सो मच आप सबको। तो हम लोग निकलते हैं यहाँ से और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है लोगों के बीच में बातें करना, लोगों से चीज़ें हर एक चीज़ें मोमेंट पे बातें करना, लोगों के अंदर के फीलिंग के बारे में जानना। और यहाँ पे किस लिए आते हैं, किस रिगार्डिंग आए हैं, घूमने के रिगार्डिंग आए हैं या ऑनली सेल्फीज लेने के लिए आए हैं। तो यहाँ पे जब आप आओगे तो सेल्फीज़ तो लोग ही लोग, वीडियोज़ तो अवश्य आप यहाँ पे आकर के बनाओगे, क्योंकि ऐसा ये जगह ही है कि जो आप इसको मिस नहीं कर सकते हैं। वीडियोज़ बनाने के दौरान आप बिल्कुल मिस नहीं करेंगे, मुझे पता है, क्योंकि वो चीज़ें मैंने यहाँ पे आकर के देखा है कि मैंने आज जब मैं फ़ोटोज़ वगैरह ले रहा था यहाँ पे आकर के, तो मुझे सेल्फीज़ लेते लेते मेरे को वीडियोज़ मतलब सेल्फीज़ मैंने लिया ही नहीं। उस टाइम का जो भी चीज़ें था ना, ये ऐसे हो गया है, टूटा हुआ कुछ चीज़ें हैं जो आपको छोटी छोटी चीज़ें आपको इसमें नज़र आता होगा। ऐसे ऐसे मूर्तियाँ और ऐसे बहुत सारी मूर्तियाँ ऊपर में आपको मिल जाएंगे दिखेंगे, और ऐसे करके बहुत सारे जगह पे हैं जो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ऐसे ऐसे मूर्तियाँ, एक से एक मूर्तियाँ मिलेंगे, 100, 200, 1000 मतलब हज़ारों हज़ार की संख्या में आपको मिल जाएंगे। इस मूर्ति की अगर बात करें हम, तो